बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल दिस इज़ योर साइंस पीरियड। नाउ ओपन योर साइंस नोटबुक। टुडे इज 17 जुलाई एंड फ्राइडे, यूनिट 13 द सीज़न। इसके हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। साल में कितने सीजन्स होते हैं, तो हमने सिर्फ बताना है कि कितने सीजन्स होते हैं। आंसर क्या लिखेंगे आप? देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, ठीक है। देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 4 सीजन्स। अब पूछ रहे हैं कि जो 4 सीजन्स हैं उनके नेम्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया है, आप लोग नेक्स्ट पेज पर मूव करें अगर आपका भी पेज ख़त्म हो गया है तो। जी, 4 सीजन्स के नेम क्या हैं? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स टू द लीव्स ऑफ सम ट्रीज इन विंटर। व्हाट हैपन्स टू द लीव्स ऑफ सम ट्रीज इन विंटर। इन विंटर लीव्स फॉल ऑफ सम ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मैनी काइंड ऑफ मूवमेंट डज द अर्थ मेक। आंसर इज, द अर्थ मेक्स 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। द अर्थ मेक्स 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। एक जो है अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और दूसरा सन के अराउंड वो घूमती है ना, तो ठीक है। अर्थ की कितनी मूवमेंट्स होती हैं? 2 मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक जो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और दूसरा वो जो सूर्य के गिर्द घूमती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक टू ऑर्बिट वंस अराउंड सन। हाउ मैनी डेज डज द अर्थ टेक टू ऑर्बिट वंस अराउंड सन, द सन, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज। सूरज के इर्द गिर्द जो है ज़मीन अपना चक्कर मुकम्मल करने में कितना टाइम लेती है, तो वो एक पूरे साल का टाइम देते हैं लेती है ना, यानी कि 365 डेज लेती है, ठीक है। तो आंसर आप क्या राइट करेंगे? द अर्थ टेक्स अबाउट 365 डेज। जी बेटा, तो अपना सारा काम आपने मार्जिन लाइन लगा के, डे टू डे लगा के करना है, और राइटिंग नीट रखनी है, और काम खुद करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।